कहाँ गई असलियत बाहर सोनाक्षी रास्तों की दिख गई लालच। हाँ दिखा दिया हूँ मैं लालची। देखो रोहित मैं ऐसी ही हूँ, लालची हूँ मैं। वो क्या गोल्ड डिगर टाइप की औरत हूँ मैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। यू नो व्हाट आई डोंट केयर रोहित, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। मेरे सामान के साथ छेड़खानी करने से या मुझे इस तरह से परेशान करने से पहले 100 बार सोचना रोहित। प्यार किया है तुमसे, कोई डोरमैट नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए, जो जब जैसे चाहोगे वैसे व्यवहार करोगे। कमजोर मत समझना मुझे। फाइन, तो मतलब तुम जोर जबरदस्ती करके चिपक के यहीं रहोगी मेरे पास। रहो, अब यहीं जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक नहीं बना दी ना, तो मेरा नाम भी रोहित सिप्पी नहीं। जो करना है करो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम किस हद तक जा सकते हो। कब आए आप हॉस्पिटल से? वहां सब ठीक है ना? रोहित तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये रख के आती हूँ मैं। सोनाक्षी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। हर कोई तुम पर कोई ना कोई ब्लेम डाल रहा है, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम सही। कुछ तो है जो गलत है यहाँ। थैंक यू वाईके। एटलीस्ट इस घर में कोई तो है जिसे लगता है कि मैं गलत नहीं हूं। शायद इस वक्त मुझे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू। सोनाक्षी, मैं रोहित को समझाऊंगा। मैं उससे बात करूंगा कि वो इस तरह तुम्हारे साथ बिहेव नहीं कर सकता। नहीं प्लीज, आप रोहित से कुछ बात नहीं करेंगे इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ नहीं समझाएंगे। रोहित ऑलरेडी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत तकलीफ में है वो। एक तरफ उसके पापा है जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी मम्मा उससे बात नहीं कर रही है, और इस वक्त रोहित का सबसे बड़ा दुख ये है कि क्योंकि सबका जिम्मेदार मुझे मानता है, उसके हिसाब से मैंने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। ट्रस्ट मी, मुझसे ज्यादा तकलीफ, मुझसे ज्यादा दुख इस वक्त उसे हो रहा है। सोनाक्षी, मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। कितनी बड़ी स्टार हो, सब तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, सबकी रोल मॉडल हो तुम। अगर तुम चाहो तो इसी वक्त इस रिश्ते से बाहर निकल सकती हो। इतनी ह्यूमिलिएशन, ऐसा बुरा बर्ताव, यू डोंट डिजर्व दिस। करेक्ट। इनफैक्ट मैं क्या, कोई भी औरत ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। लेकिन भाई के मैं बहुत प्यार करती हूँ रोहित से, एंड मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर मैं अपने आप को बिना सही साबित किए हुए रोहित की जिंदगी से या इस घर से चली गई ना, रोहित का भरोसा उठ जाएगा प्यार पर से। राइमा के बाद हमेशा रोहित ने एक ही चीज कही है कि वो सेकंड चांसेस में बिलीव ही नहीं करता। प्यार सिर्फ एक बार होता है, बट वो मैं थी जिसने उसे कन्विंस किया कि प्यार को, जिंदगी को एक और मौका मिलना चाहिए। प्यार तो प्यार होता है। अब दूसरी बार प्यार करने के बाद भी जब उसे ये लगने लगा है कि उसका प्यार झूठा है, ये रिश्ता झूठा है, तो मैं उसके इस वहम को यकीन में नहीं बदलने दे सकती। मैं रोहित को इस तरह जिंदगी से हारते हुए, उसके प्यार को हारते हुए मैं नहीं देख सकती। रोहित से इतना भी प्यार मत करो सोनाक्षी कि तुम अपने आप को ही खो दो। सांस लेना शायद भूल सकती,
लेकिन रोहित से प्यार करना। जिंदगी है वो मेरी। ओए रब्बा, इनके प्यार को बचा ले वरना लोगों का सच्चे प्यार से विश्वास उठ जाएगा।